अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर असद मलिक एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ सेल डिवीजन। यू नो एनिमल्स ग्रो इन साइज एंड इंक्रीज देयर साइज बाय सेल डिवीजन। जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, तो वो अपना साइज़ जो उनका ग्रो होता है और उनका बॉडी पार्ट्स जो ग्रो होते हैं वो सेल डिवीजन से की वजह से ग्रो होते हैं। सेल रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन। आफ्टर ग्रोइंग टू अ सर्टेन मैक्सिमम साइज अ सेल मे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, एक मैक्सिमम साइज तक पहुंच के और एक ग्रो होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि सेल को सेल डिवीजन परफॉर्म करता है सेल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट। सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मींस न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म की डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस डिवीजन। ओके, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इन रिजल्ट दस टू डॉटर सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल डिवीजन ऑफ अ सेल। सो इस डिवीजन की मदद से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर वन माइटोसिस। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स। नंबर वन माइटोसिस, नंबर टू मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस पे आते हैं। In this type of cell division, a parent cell divides into two daughter cells in a way that the number of chromosomes in daughter cells remains the same as in the parent cell. क्या मतलब इस बात का कि cell division जो mitosis है उसमें क्या होता है कि एक parent cell है जो कि पहले से मौजूद है, वो दो daughter cells में divide होगा और इस तरह divide होगा कि जो number of chromosomes daughter cell में सेम रहेंगे जैसे कि पेरेंट सेल में थे। ओके, अल्थो माइटोसिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो माइटोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होती है उसको हम चार फेजेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें उसे समझने में आसानी हो। वो चार फेजेस कौन कौन से हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, दीज आर द फोर फेजेस। नाउ वी डिस्कस दीज फोर फेजेस। अब हम इन चार फेजेस को स्टडी कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ओके, देन देयर इज अ फर्स्ट फेज दैट इज़ नोन एज प्रोफेज। बट बिफोर प्रोफेज देयर इज़ अ क्रोमेटिन नेटवर्क, द न्यूक्लियर मटेरियल। जो एक न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है कंडेंस फॉर्म में उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ओके, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ना प्रोफेज में विजिबल हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज होता है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक है, उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो डबल्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर वो पहले 46 क्रोमोसोम बना रहा था तो अब वो टोटल उसका डबल कर देगा, डबल्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसके पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू क्रोमेटिड्स कंटेनिंग क्रोमोसोम। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा। ठीक है, कंडेंस होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। फिर क्रोमोसोम्स डबल्ड हो जाते हैं और वो क्रोमेटिड्स के ज़रिए अटैच होते हैं
और जिस जगह वो अटैच होंगे द क्रोमेटिड्स आर अटैच टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पार्ट पे वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो यही सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम बनाएंगे, यानी कि सेपरेशन हो जाएगी उनकी आपस में। ओके, प्रोफेज के अंदर ही एक और चीज़ होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ओके, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है, ये भी प्रोफेज के अंदर होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स हैं वो डिवाइड होके दो सेंट्रियोल्स बनाते हैं। ठीक है, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जहाँ से दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं वो डिवाइड होता है और दो सेंट्रियोल्स बना देता है। दोनों ही ईच मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, दोनों अपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं, दोनों सेंट्रियोल्स जो के हैं वो दोनों अपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, लाइक दैट। दीज आर द टू सेंट्रियोल्स, दोनों अपोजिट साइड पे चले गए सेंट्रियोल्स। ठीक है, ओके, और ये क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ अटैच कराते हैं और सेपरेट कराते हैं। ओके, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, क्रोमोसोम्स बने, सेंट्रियोल्स बने। ठीक है, ये सब हुआ प्रोफेज में। अब आ जाए मेटाफेज में। ओके, मेटाफेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम अरेंज इट्सेल्फ ऑन द इक्वेटर एंड द स्पिंडल, ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय सेंट्रोमियर। ओके, मेटाफेज में क्या होता है, सिंपली क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेंटर में। ठीक है, सेल के सेंटर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सिंपल, और सेपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एनाफेज, विच इज़ अ थर्ड फेज। ओके, एनाफेज में सिंपली क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर से वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, और दो सेट जो इक्वल सेट में जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होके उनको स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, दोनों अपोजिट साइड्स पे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाते हैं क्रोमोसोम, और ये नाउ दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये जो सेपरेशन के बाद अब ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे जो कि इक्वल हाफ में डिवाइड होके अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। तो एनाफेज के अंदर सिंपली सेपरेशन होती है, मेटाफेज में क्या था, अरेंज हुए थे, तो और एनाफेज में सेपरेट हो गए, सिंपली एनाफेज में सेपरेशन हो जाती है। ओके, टेलोफेज के अंदर जब क्रोमोसोम्स दोनों सेपरेट पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और दो डिफरेंट न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, टेलोफेज के अंदर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, दो न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए, एंड नाउ द कैरियोकाइनेसिस इज़ कम्प्लीट। जो कैरियोकाइनेसिस है वो कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियस बन चुके हैं, दो डॉटर, जो सिंगल न्यूक्लियस था सेल डिवीजन के स्टार्ट में, अब वो डिवाइड होके दो इक्वल हाफ में दो डॉटर न्यूक्लियस बना चुका है। ठीक है, ये टेलोफेज के अंदर हो जाता है। नाउ न्यूक्लियस इज टोटली डिवाइडेड, नाउ साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन इनटू टू इक्वल हाफ्स। साइटोप्लाज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और वो बी सेंटर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। एट द एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एक सेल था स्टार्ट में जो कि पेरेंट सेल था, उससे डिवाइड होते होते पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन गए, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस कंडेंस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ओके, सोन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आल्सो डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स
ठीक है, दो डॉटर सेल्स में जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो चुका है. द न्यूक्लियस ऑफ ईच डॉटर सेल कंटेन्स द सेम क्रोमोसोम्स नंबर एज इन द पेरेंट सेल. ठीक है, डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है जैसे कि पेरेंट सेल में था. इन दिस वे द डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट सेल. क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपीज हैं पेरेंट सेल की. यहाँ पे आपका टेलोफेज कंप्लीट हो गया. ठीक है, यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो आपकी कंप्लीट हो गई. नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस का फ़ायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. माइटोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इंक्रीजिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स. सबसे पहले डिवेलपमेंट है जो ऑर्गेनिज्म की, और जो उसकी ग्रोथ है, जो उसका साइज ग्रो होता है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, वो सब माइटोसिस के प्रोसेस से पॉसिबल होता है. ठीक है, ग्रोथ और डिवेलपमेंट जो कि मेन फंक्शन है वो एनिमल का इस प्रोसेस के ज़रिए परफॉर्म होता है. विथ फ्यू एक्सेप्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, ये सब माइटोसिस के ज़रिए होता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, वो सब माइटोसिस के ज़रिए होता है. द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सोमैटिक सेल्स सच एज ब्लड सेल्स डिपेंड्स ऑन माइटोसिस. एनिमल्स की बॉडी में जो ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, या बॉडी के सेल्स जो जिनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, सोमैटिक सेल्स मीन बॉडी सेल्स, ठीक है, वो सब माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इसी सेल डिवीजन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं. द हीलिंग ऑफ अ वाउंड्स रिपेयर ऑफ वियर एंड टेयर विद इन ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, कोई चोट लग जाए या कहीं पे कोई लॉस हो जाए सेल्स का, तो वो माइटोसिस के ज़रिए ही फिलअप होता है. और जो हमारे चोट वगैरह है या जो हमें एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जितना भी वो लॉस होता है वो सब माइटोसिस के ज़रिए से रिपेयर होता है. उसके अलावा जो हमारे हेयर्स ग्रो होते हैं, नेल्स ग्रो होते हैं, वो सब माइटोसिस के ज़रिए से ग्रो होते हैं. ब्लड सेल्स उसके ज़रिए से ग्रो होते हैं. एंड बॉडी सेल्स, ऑल द बॉडी सेल्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस. ठीक है, एनिमल की जो ग्रोथ है वो माइटोसिस के ज़रिए होती है. दिस इज़ ऑल लेक्चर फ्रॉम माइटोसिस सेल डिवीजन.